नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती थी उसका जो दस्तावेज सत्यापन है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपको स्क्रूटनी फॉरम है वो ऑनलाइन फिलअप कैसे करना है, इसके अलावा जो शेड्यूल है आपका वो कब से कब तक रहेगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे कौन सी जगह होंगे, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेंगी। आज की डेट का ये नोटिस है, कार्यालयाध्यक्ष है कि 2000 जो नियम है 2014 के अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेश भर्ती में 89,774 और अनुसूचित क्षेत्र में 888 पोस्ट थी, तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेश भर्ती में जो नॉन TSP में 282 और TSP क्षेत्र में 13 पदों पर ये भर्ती हुई थी। ठीक है, इसके लिए जो टोटल विद्यार्थी जो पास किए गए थे उनका जो दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम है वो यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि पात्रता की जांच हेतु गठित जो टीम है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन की जाँच उपस्थित होने वाला अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र दिनांक 13 तारीख से ये ऑनलाइन फिल करना है SSID पर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि कंप्यूटर डॉक्यूमेंट जो होगा अनुदेशक का भर्ती का उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र है, पुलिस वेरिफिकेशन है, स्क्रूटनी फॉर्म जो है ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है, नया जो फोटो लगाना है वो कैसे, इन सब के बारे में हमने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई थी, वो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरी प्रोसेस मैंने बताई है कि ऑनलाइन आपको कैसे फिलअप करना है। मैंने खुद ने अपने वीडियो के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे वो सारा ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें सारे ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किया वो सब कुछ इसमें डिटेल से बताया गया है। ठीक है, वहाँ पे SSID पर आपको जाना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएंगे तो माई रिक्रूटमेंट, और उसके बाद फिर वहाँ पर आएगा डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, इस पर क्लिक करते ही वहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको पढ़ने हैं और वो फिर आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। उक्त जो ऑनलाइन विस्तृत आप आवेदन भरेंगे उसकी 2 प्रति और एक जमा फीस की प्रति प्रिंट। ठीक है ना, फीस कटने के बाद में क्या है, अपन जो ऑनलाइन फीस काटते हैं कई बार भूल जाते हैं, उसकी रिसिप्ट नहीं लेते, वो रिसिप्ट आपको लेके जानी है। ऑनलाइन आवेदन फीस में छूट लेने अभ्यर्थी की जो आय प्रमाण पत्र, अगर आपने जैसे 2.5 लाख रुपये से कम का जो आप टिक मारते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना है, 4 पेज का बनता है। शैक्षणिक योग्यता के सभी डॉक्यूमेंट जो मूल हैं वो भी लेके जाएंगे, उसी के साथ फोटोकॉपी 2-2 सेट आपको बनाना है सेल्फ अटेस्टेड के, उन सब का मिलान किया जाएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, रिजल्ट की तारीख, सब के बारे में। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ लेके जाएंगे। अभ्यर्थी प्रमाण पत्र दस्तावेजों को स्वयं की तरफ प्रमाणित पत्र संलग्न, मैंने अभी बताया डॉक्यूमेंट जो होंगे फोटोकॉपी वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 17-10 से लेकर 21-10 तक। ठीक है, सेठ आनंदीलाल पोदार मूक बहादुर उच्च माध्यमिक विद्यालय जो जवाहरलाल नेहरू JLN मार्ग पर जयपुर में है 10 दलों के द्वारा, और 27-10 से लेकर 11-7 तक। ठीक है, मतलब 7 नवंबर तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेठ आनंदलाल पोदार मूक बहादुर उच्च माध्यमिक विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर होगा, और दूसरा गुरु नानक भवन शिक्षण संस्थान है आदर्श नगर में। ठीक है ना, यहाँ पे 20 दल हैं जो 10 दल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे उनका जो स्कूल का नाम है स्थल दे रखा है, पात्र जो जाँच और दस्तावेज स्थल का नाम, समय और तारीख, ये आपके रोल नंबर दे रखे हैं, आपको अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको डेट देखनी, उसी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो बना रखी है जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने जो स्क्रूटनी फोरम है उसके इंस्ट्रक्शन कौन कौन से दस्तावेज वो सब वहाँ पे विस्तार से सारी चीज़ें समझा रखी हैं, वो वीडियो को आप देख कर ये सारी चीज़ें आप SSID पर जाकर फॉरम फिल कर, फिर भी अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।